हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईज पेरेंटिंग। आज हम आपको काली खांसी का इलाज घरेलू तरीके से करने के नुस्खे बताएंगे। काली खांसी एक संक्रामक रोग है जो 5 से 15 वर्ष के बच्चों को होता है, लेकिन इसे घर पर ठीक किया जा सकता है। तो चलिए इसके घरेलू उपाय जानते हैं। एक बड़े बर्तन में पानी उबाल लें और इसमें 2-3 बूंद यूकेलिप्टस ऑयल की डालें, भाप लें और आप पाएंगे कि आपको काफ़ी आराम मिल रहा है। 3 ग्राम नारियल का तेल गर्म करके बच्चे को पिलाएं। ऐसा करने से खांसी में आराम मिलता है और खांसी का प्रकोप कम होता है। ध्यान रहे कि आपके बच्चे को तेल दिन में 3 बार से ज़्यादा नहीं पिला सकते हैं। अदरक का रस शहद में मिलाकर पीने से भी खांसी का प्रकोप कम होता है और ऐसा आपको दिन में 3 बार करना है। बारीक पिसी हुई काली मिर्च को आप गुड़ में मिलाकर छोटी छोटी गोलियां बनाकर नियमित अंतराल पर अपने बच्चे को दे सकते हैं। खांसी को जड़ से खत्म करने के लिए आप रोज रात को 2-3 बादाम भिगो कर रख दें और उनका सेवन सुबह करें। ऐसा करने से आपकी यह समस्या दूर होगी। तुलसी के पत्तों में शहद मिलाकर खाने से भी खांसी में आराम आता है। हम आशा करते हैं जानकारी आपके लिए ज्ञानवर्धक सिद्ध हुई होगी और आप इसे अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।